नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मेधा कपूर और मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आज हमें अपने अंतर मन से एक प्रश्न जरूर कर लेना चाहिए, क्या हम सही मायनों में स्वतंत्र हैं? जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल है न्यूट्रिशन, वेलनेस, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के बारे में। तो हम ऐसे 7 फूड रिलेटेड ट्रेंड्स के बारे में आज बात करेंगे जिनसे कि हमें इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिपेंडेंट होना है। अगर वीडियो पसंद आए तो एंड तक देखिए और सिमिलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर फैट डाइट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो, और इन फैट डाइट्स की एक बड़ी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये जितनी ज्यादा जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं, उतनी ही जल्दी इनकी पॉपुलैरिटी डिमिनिश हो जाती है, और एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी फैट डाइट क्लेमिंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों, जो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में, उसे शुरू ही मत कीजिए और एक बैलेंस्ड डाइट को अपनाइए। से नो टू फैट डाइट। दूसरा ट्रेंड, ऑब्सेशन विद वेट। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो वेट है वो हेल्थ का डिटर्मिनेंट नहीं है, चाहे आप 55 किलो के हो चाहे 95 के, इन दोनों ही वेट्स पे आप हेल्दी भी हो सकते हैं और अनहेल्दी भी हो सकते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में तो एक बड़ा फनी ट्रेंड है कि जिसका वजन ज्यादा होता है हम उसे कहते हैं ये हेल्दी है, और जिसका वजन कम होता है उसे कहते हैं ये कमजोर है। भाई, ये क्या बात हुई। इसी से रिलेटेड तीसरा ट्रेंड, बॉडी शेमिंग। हम समझते हैं कि हमें अधिकार है कि हम किसी की भी फिजीक के बारे में कमेंट पास कर सके। देखो, तुम आज कितने मोटे लग रहे हो, हाय तू तो बिल्कुल सूख गया। ऐसे स्टेटमेंट्स देने से पहले हम ये नहीं सोचते कि इससे सामने वाले के दिमाग पर, उसके मनोबल पर कैसा प्रभाव पड़े। चाहे हम में से कोई भी हो, हम सब अपना बेस्ट दिखना चाहते हैं, हम सब अपना बेस्ट होना चाहते हैं। तो अगर कोई पहले से ही अपने वेट से स्ट्रगल कर रहा है और आपसे इस तरह का हार्श रिमार्क सुनने को मिले तो ये कई बार लोगों के लिए बहुत डेवास्टेटिंग हो सकता है। और याद रखिए, आप भी लाइन के उस पार हो सकते हैं, रिसीविंग एंड पर। तो सोचिए आपको ऐसा सुनकर कैसा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो किसी और के साथ भी ऐसा मत कीजिए। चौथा ट्रेंड, द फ्री कल्चर। आजकल ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री, ये सारी डाइट बहुत ज्यादा प्रचलन में है, और इनफैक्ट ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम मार्केट में 3 से 5 गुना ज्यादा प्राइस देकर भी आजकल खरीदते हैं, ये मानते हुए कि ये हेल्दी है। तो एक लाइन में बता दूं दोस्तों कि कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि लैक्टोज से या ग्लूटेन से एलर्जी या सेंसिटिविटी होती है, और उनके लिए एब्सोल्युटली सेंसिबल है कि वो लैक्टोज और ग्लूटेन को अवॉइड करें। बट फॉर पीपल हु डू नॉट सफर विद दिस, उनके लिए तो ये यही बात हुई कि जो बीमारी है ही नहीं हम उसका इलाज करने चले। तो से नो टू फ्री कल्चर, नो ग्लूटेन फ्री, नो लैक्टोज फ्री, अनलेस यू हैव एन अंडरलाइन डिजीज। पांचवा पॉइंट, फूड इलिटिज्म। आजकल हम लोग कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एग्जॉटिक बेरीज, एग्जॉटिक फ्रूट्स, एग्जॉटिक हर चीज खाने में। हम ये भूल जाते हैं कि ऐसी न्यूट्रिशियस चीजें और इनसे ज्यादा न्यूट्रिशियस चीजें जो कि हमारे लिए बेहतर हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको याद है वो समय जबकि हम शहतूत के पेड़ से कूद कूद के शहतूत तोड़ा करते थे? वेल, वो शहतूत हमें कुछ कॉस्ट नहीं करते पर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्दी। ये भी कहीं ना कहीं हमारी गुलाम मानसिकता का प्रतीक है जिसकी बेड़ियों को तोड़ने की आज हमें बहुत जरूरत है, और आज से बेहतर इसके लिए कोई दिन नहीं। छठी चीज, फॉरेन रिटर्न कल्चर। क्यों हम पहले उन्हीं चीजों को खराब समझते हैं और जब वो वेस्टर्नाइज हो जाए तो 5 गुना दामों में खरीद खरीद कर खाते हैं? इसके क्विंटेसेंशियल एग्जांपल्स, नंबर 1, गोल्डन मिल्क। अभी रिसेंटली मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि उसने गोल्डन मिल्क पीना शुरू किया है क्योंकि उसका US बेस्ड कजन आजकल अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए गोल्डन मिल्क पी रहा है। डिटेल पता करने पे पता चला कि वो गोल्डन मिल्क हमारा सदियों से चला आ रहा हल्दी का दूध है जिसे हम ट्रेडिशनली पीते आ रहे हैं, पर अब मेरे फ्रेंड को तो तभी पीने की सूझी जब वो US में एज गोल्डन मिल्क ब्रांड होने लगा। यही हाल है दोस्तों क्लैरिफाइड बटर का। क्लैरिफाइड बटर कुछ और नहीं, हमारा देसी घी है, और वहीं जो योगर्ट है वो ज्यादा फैंसी नेम है कर्ड से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज वाली एक विदेशी चीज का। तो दोस्तों, वेट मत कीजिए वेस्ट के स्टैंप ऑफ अप्रूवल की, और अपने फूड हेरिटेज को पहले ही रिस्पेक्ट कीजिए। 7वां और आखिरी ट्रेंड,
वो है सप्लीमेंट्स लेने का। आजकल हमें लगता है कि हमें अगर कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो डाइट में इंप्रूव करने से अच्छा शॉर्टकट है कि हम उसका सप्लीमेंट खा लें। इनफैक्ट बहुत ही तरह के सप्लीमेंट्स आजकल प्रचलित होते चले जा रहे हैं, जैसे हल्दी के, तुलसी के, नीम के, और पहले से जो सप्लीमेंट्स पॉपुलर हैं कैल्शियम वगैरह के वो तो है ही है। तो दोस्तों बात यह है पहले तो कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने घर में कुछ एक पौधे भी रख लें तो उस केस में तुलसी, नीम, हल्दी ये सब हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है। और जहां तक सप्लीमेंट्स की बात है, मैं डेफिनेटली अग्री करती हूं कि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है और उनका आसान विकल्प नहीं मिलता, पर प्लीज उन्हें आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लीजिए, सेल्फ प्रिस्क्राइब मत कीजिए, और जहां तक हो सके अपने होल फूड से ही न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि जिस तरह हम लोग आज अपनी राष्ट्रभाषा को प्रमोट करने के लिए कार्यरत हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपनी ट्रेडिशनल फूड हेरिटेज को भी सम्मान देना होगा, चाहे वो हमारी मातृभाषा हो, चाहे वो हमारी फूड हेरिटेज हो। यही हमारा गौरव है, यही हमारी पहचान। अगर इन्हीं में हम गौरव नहीं ढूंढ पाएंगे तो सही मायनों में देश प्रगति नहीं कर पाए। तो आप अपनी इस फूड हेरिटेज को रिस्पेक्ट कीजिए और औरों को भी इनकरेज कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा कि इन सातों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि आपको सबसे ज्यादा अपील किया, और आपकी ट्रेडिशनल फूड हेरिटेज में से ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद। मेरा तो फेवरेट है सांभर और इडली, मुझे बहुत ही पसंद है। आपका क्या है जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिए, और सिमिलर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज स्प्रेड द वर्ड अबाउट इट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीकेंड on Saturday. Till then, stay healthy, stay happy, and stay tuned. Bye-bye.